देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया, मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपने उड़ता पंजाब फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। नशे के खिलाफ ये कहानी पंजाब की थी, लेकिन अब पंजाब से निकलकर गाजियाबाद में छोटे छोटे मासूम बच्चे और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा धीरे धीरे नशे के आदि होते जा रहे हैं। गाजियाबाद भी उड़ता पंजाब जैसा बनता जा रहा है। चरस, गांजा, ड्रग माफियाओं ने अपना गाजियाबाद में जाल बिखेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने नशे के खिलाफ लड़ने और बच्चों और युवाओं को नशे से निजात दिलाने के लिए गाजियाबाद नशा नाश योजना चलाई है, जिसके तहत नशे की ओर बढ़ रहे युवा और बच्चों को नशे से बचाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने कुछ समय पहले नशा नाश योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गाजियाबाद में सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया था। ऐसे नशे के आदि बच्चों को पुनर्वास केंद्र में भेजा गया था। स्कूली बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए 237 स्कूलों में नशा सावधान समितियों का गठन किया गया है। डीएम का कहना है कि फिर भी कहीं से शिकायत मिलती है तो संबंधित थाना इंचार्ज की जिम्मेदारी मानी जाएगी और उन पर कार्यवाही होगी। नशा नाश योजना की शुरुआत जनपद गाजियाबाद में की गई है, और जैसा कि आपने बताया कि नशे के शिकार विशेष रूप से जो बच्चे हैं, कम उम्र के किशोर हैं, नवयुवक हैं, ये ज़्यादा इससे कुप्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए एक सामूहिक योजना तैयार की गई है, जिसमें पुलिस विभाग, ये हमारा जो ड्रग डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग, CMO और जो नशा विमुक्ति केंद्र है यहाँ पर जो एम्स से संचालित होता है, इन सबको इसमें सामूहिक रूप से शामिल किया गया है। इसमें हमने विद्यालयों को भी शामिल किया है, और सबसे पहले इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, लोगों को जागरूक बनाना कि लोग नशे के शिकार ही ना हों, उससे सावधान रहें। तो हर यहाँ विद्यालयों में सावधान नशा सावधान समितियों का गठन करने का निर्देश दिया गया है, और 237 हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर नशा सावधान समितियों का गठन कर दिया गया है, जो NGOs के लोगों से संपर्क करके बच्चों को इसके बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें सावधान करने की बात करते हैं। आपको कुछ जगह की तस्वीर दिखा देते हैं जो उड़ता पंजाब फिल्म की याद दिलाती है। सार्वजनिक जगहों जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास नशा करने वाले युवक कई तरीके अपनाते हैं। मुख्य रूप से इंजेक्शन और दर्द निवारक स्प्रे को सूंघ कर भी नशा किया जाता है, या फिर कुछ मेडिसिन से भी नशा करते हैं, जो कि बेहद खतरनाक होता है। नशा कहीं ना कहीं युवाओं को, बच्चों को धीरे धीरे दीमक की तरह खाता जा रहा है। ऐसे में ऐसी योजनाएं और ऐसे अभियान और भी हो, ताकि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे से बचे। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।